हाँ तो बेटा देखिए, इस ब्लॉक रखा हुआ है वही सरफेस पर, मास इसका 1 kg है, ठीक है। जी की वैल्यू आप 10 ले लेंगे, जी इक्वल टू 10 ले लेंगे आप। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशियंट और काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशियंट गिवेन है, म्यू एस और म्यू के आपको गिवेन है। आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर लिखी हुई है, और आपको बताना है कि इन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रिक्शनल फोर्स की क्या वैल्यूज होगी और कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सलरेशन कितना होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। आपका एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, फ्रिक्शन कितना होगा, और एक्सटर्नल फोर्स, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स पर फ्रिक्शन कितना लगेगा और एक्सलरेशन ब्लॉक का कितना होगा। इन दोनों सरफेसेस के बीच म्यू एस और म्यू के गिवेन है। तो सबसे पहला तरीका ये है कि आप एफ एस निकाल लेंगे। एफ एस मतलब वो लिमिटिंग फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, एफ मैक्स बोल देते हैं। इससे ज़्यादा फ्रिक्शन किसी भी केस में नहीं हो सकता है बेटा दो सरफेसेस के बीच। 0.5 × 1 × g, तो कितना आ गया, ये 5 न्यूटन आ गया आपके पास, ठीक है। और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आ गया, काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया म्यू के इंटू 1 × g, ये कितना आ गया, 4 न्यूटन आ गया। तो ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू, आप सबसे पहले तो ये लिख लेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन लिख लिया आपने म्यू एस इंटू एन 5 न्यूटन, और काइनेटिक फ्रिक्शन लिख दिया आपने 4 न्यूटन, ठीक है। तो जैसे आपसे बातें हुई हैं फ्रिक्शन किस तरह से एक्ट करता है अभी, तो उस केस में आप सब बता सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूँ तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, कौन बोलेगा ये। माधवी, हाँ माधवी आप बता सकते हैं बेटा, आवाज आ रही है माधवी आपको। हाँ तो आप बताइएगा, अब आपसे ही पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। फ्रिक्शन एफ की वैल्यू 0 है, फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। हाँ तो कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सलरेशन कितना होगा, बताओ बेटा। 4 0 एक्सलरेशन कितना होगा, ये भी 0, फ्रिक्शन भी 0, कोई, हाँ एफ इक्वल्स टू एम ए से, ठीक है। हाँ तो क्लियर है बेटा, इतना कोई दिक्कत तो नहीं आता। दीपेंद्र आवाज आ रही है आपको, दीपेंद्र आवाज आ रही है बेटा, दीपेंद्र सिंह नहीं आ रही, पता नहीं, मुझे नहीं। ओके बेटा, तो कौन बताएगा, केतन आपको आ रही है आवाज। हाँ तो बताइए, बताते जाइए बेटा। एक्सटर्नल फोर्स 2 न्यूटन लगाऊंगा तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, बताइए। एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, 2 न्यूटन, वेरी गुड। और एक्सलरेशन कितना है ब्लॉक का, एक्सलरेशन भी 2। एफ फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन, पीछे फ्रिक्शन लग गया 2, नेट फोर्स कितना हुआ, ध्यान से बोलो बेटा एकदम, ठीक है ना। चलिए आगे बताते जाइए, आपको ही बताने हैं सारे। 4 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शन कितना, 4, वेरी गुड। एक्सलरेशन कितना, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ एक्सलरेशन कितना, एक्सटर्नल फोर्स 4, फ्रिक्शनल फोर्स, तो आपका एक्सलरेशन कितना, 0। बेटा इन 3 में डाउट है क्या आपको, यहाँ तक किसी भी बच्चे को, आपका एक्सटर्नल फोर्स मैक्सिमम वैल्यू से हमेशा कम है अभी तक। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 5 न्यूटन है, तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन से हमेशा कम है। एक बार 0 थी, 2 थी, 4 थी, अगर 4.9 कर दूंगा तब भी फ्रिक्शन 4.9 हो जाएगा, एक्सलरेशन 0 हो जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स 5 है, फ्रिक्शन कितना लगेगा, केतन बताइए फटाफट। एक्सटर्नल फोर्स 5 न्यूटन, 5 लगेगा, कोई डाउट तो नहीं है आपको ये। चलिए सुमित अब आप बताइए, केतन आप म्यूट कर दीजिए, सुमित आप बताइए एक्सलरेशन कितना होगा। फाइव न्यूटन फोर्स है, 5 न्यूटन फ्रिक्शन है, एक्सलरेशन भी 5।
एक्सलरेशन पूछ रहा हूं मैं, 5 इधर लग रहा है, 5 पीछे लग रहा है, एक्सलरेशन 5 होगा। ये रे बेटा, ध्यान से जवाब दें थोड़ा समझदारी से, ठीक है? कितना होगा एक्सलरेशन? 0। अब आपने फोर्स कर दिया 5.01, फोर्स कर दिया आपने 5.01, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? फोर न्यूटन। सही बोल रहे हैं बेटा, बोलिए कॉन्फिडेंस से बोलिए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्या आएगा, 5 या 4? हाँ, 4 क्यों होगा बताओ, एक बार एक्सप्लेन करो थोड़ा सा। वेरी गुड वेरी गुड बेटा, आज आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो एकदम, वेरी गुड। क्लियर है, 5.01 एक्सटर्नल फोर्स था। मैंने बोला जैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा, रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगी, रिलेटिव मोशन स्टार्ट होते ही फ्रिक्शन की वैल्यू काइनेटिक होगी, ठीक है? 99% केस में आप म्यू एस म्यू के अलग देता ही नहीं है, ठीक है? तो फिर कोई बात ही नहीं है, मोशन स्टार्ट होने के बाद भी कितना ही रहेगा, म्यू इंटू एन, इतना मैक्सिमम था वही हमेशा रह जाएगा, जब आपको दोनों अलग अलग नहीं दे रखे हो, बट अलग अलग दिए हुए हैं तो आपको ध्यान से कंसिडर करने बेटा दोनों चीजें। तो ये 5.01 आपका फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ जाएगा आपका? 4 न्यूटन। तो एक्सलरेशन कितना होगा सुमित, निकाल सकते हैं कितना होगा एक्सलरेशन? 5th। हाँ, एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है? 5.01। फ्रिक्शन कितना लग रहा है? फ्रिक्शन कितना लग रहा है आपका? 4 न्यूटन। तो आप बताइए खुशी, बता पा रहे हैं आप एक्सेलरेशन कितना होगा इसका? खुशी खुशी जवाब, हाँ बस, वेरी गुड बेटा, इक्वल टू वन ए मैम इंटू ए, वेरी गुड, बिल्कुल सही, ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा आपका? 1.01 आ जाएगा, काट दो ना, काट दो, 1.01 आ जाएगा। एग्जाम हो गया, 1.01, 1.01 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी? अगर मैं बोलूं आपसे 8 न्यूटन फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है, 1 kg है, 8 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स है, हर्ष यादव है क्या आज? हाँ हर्ष, बताइए आप, बताइए बेटा आप क्या करें इसमें, 8 न्यूटन लग गया तो फ्रिक्शन कितना लगाएं? फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा, 8 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स है तो 4 न्यूटन, तो आपका 4 पीछे आ गया, तो एक्सलरेशन कितना होगा आपका? 8 - 4 = 1 × a, एक्सलरेशन हो जाएगा 4 m/s². तो इस तरह से टेबल बन जाएगी आपकी, इधर एक्सलरेशन कितना आ गया 1.01, और यहाँ पर एक्सलरेशन कितना आ गया 4 m/s². तो ऐसे लगता है बेटा फ्रिक्शनल फोर्स, जब से ज्यादा, फिर एक बार सुन लीजिए, मैक्सिमम वैल्यू दो सरफेसेस का बीच का फ्रिक्शन कभी भी म्यू एस इंटू एन से ज्यादा नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है। तो आप देख रहे हैं बेटा फ्रिक्शन पूरी एफर्ट डालता है अपनी, ठीक है? पूरी एफर्ट डालता है पहले, लेकिन वो एक पर्टिकुलर लिमिट है, उसके बाद वो हार जाता है, बट हारने के बाद भी वो कोशिश अपनी करता रहता है एफ के फॉर्म में। अगर दोनों अलग अलग नहीं दे रखे हैं तो फिर ये छोड़ के नहीं आ जाना कि दो तो अलग दे ही नहीं रखे थे हम, वो जनरली 99% केस में नहीं गिवेन होते हैं, केवल फ्रिक्शन कोफिशियंट गिवेन होता है। तो जैसे ही आपका फोर्स फिर म्यू इंटू एन से ज्यादा हो जाएगा, चीज चलने लग जाएगी, और म्यू इंटू एन हमेशा लगता रह जाएगा, ठीक है? अगर दोनों अलग अलग ना दे रखे हो, अलग अलग दे रखे हो, तो काइनेटिक जब रिलेटिव मोशन हो रही है, ठीक है, तो हमेशा आपको क्या यूज करना है, एफ के म्यू के यूज करना है बेटा फ्रिक्शनल फोर्स के लिए, ठीक
ठीक है, तो ये आपकी कहानी थी, आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से रिलेटेड थी। एक ब्लॉक को खींचना शुरू किया, बहुत देर तक वो नहीं चलता है, जब तक नहीं चलता है फ्रिक्शनल फोर्स क्या कहलाता है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। ठीक है, वो किस इंस्टेंट पर चलना शुरू करेगा, जब एक्सटर्नल फोर्स म्यू एस इंटू एन के बराबर हो जाएगा, तब ब्लॉक की मोशन, उसके जस्ट जैसे ही आप बढ़ाएंगे फोर्स, अगर आप एग्जैक्टली उतना ही लगा रहे हैं तब भी वो नहीं चलेगा, बट जैसे ही आपने थोड़ा भी बढ़ाया तो मोशन स्टार्ट होगी और फ्रिक्शन की वैल्यू सडनली डिक्रीज होगी, वो क्या आ जाएगी, म्यू के इंटू एन आ जाएगी। यहाँ पर म्यू के क्या है, कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। उसके बाद आप एक्सटर्नल फोर्स कितना भी बढ़ाइए, जब तक रिलेटिव मोशन है, लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होगा, म्यू के इंटू एन के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक।